नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित, तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट करके देख सकते हो। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे ही देखो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, तो यूएसए एक बड़ी सुपर पावर के रूप में इमर्ज होता है। उस समय पूरे वर्ल्ड की 48% इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यूएसए में हो रही थी और ऑलमोस्ट 70% गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास था। यूएसए चाहता था कि यूरोप एक हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड वर्ल्ड वार तो समाप्त हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा था बड़े लेवल पे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद यूएसए में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी उनके भी खत्म हो जाने का डर था। इसलिए यूएसए ये चाहता था कि हमें एक बड़ी मार्केट चाहिए। इसीलिए यूएसए ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करने स्टार्ट किए, जिसे मार्शल प्लान के रूप में जाना जाता है। यूएसए ने शुरुआत के 4 सालों में मार्शल प्लान में $17 बिलियन यूरोप के कंट्रीज को दिए। देखो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मार्शल प्लान से पहले भी यूएसए के द्वारा ऑलमोस्ट $9 बिलियन यूरोपियन कंट्रीज को दिए गए। लेकिन इस बार यूएसए के द्वारा कंडीशंस लगाई गई। यूएसए ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को कहा, जैसे यूके को, जर्मनी को, फ्रांस को, कि आप टैरिफ को कम कीजिए। यानी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच जो आपस में ट्रेड होता था, जैसे यूके कोई सामान भेजता था फ्रांस को, फ्रांस कोई सामान भेजता था यूके को, टैरिफ नहीं लगने चाहिए। क्योंकि यूएसए को यह लगता था अगर यूरोप की एक बड़ी मार्केट इमर्ज होगी, तो यूएसए में जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसे यूरोप की मार्केट में जाके बेचा जा सकेगा। और इसके लिए आवश्यक यह है कि यूरोप एक बड़ी मार्केट प्रेजेंट करे यूएसए को। और बड़ी मार्केट यूरोप तभी प्रेजेंट करेगा जब यूरोप के कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड करेंगे और टैरिफ कम से कम होंगे। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक अलायंस देखने को मिला। वो अलायंस अभी भी बरकरार है। वो बात अलग है कि ट्रंप के द्वारा अब धमकी दी जा रही है कि हम नाटो को खत्म कर देंगे। ट्रंप इवन यूरोपियन यूनियन को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे देखो और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए का अलायंस देखने को मिला। बार बार मैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उस समय यूएसएसआर के अंडर आती थी, इसीलिए ज्यादा जो दोस्ती हुई यूएसए के साथ वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की हुई। उसका एक रीजन ये भी था कि उस समय हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था कि कम्युनिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यूएसएसआर कम्युनिज्म के प्रचार प्रसार पर फोकस कर रहा था, तो इस वजह से नाटो का निर्माण किया गया था। यूएसए को लगता था कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक पैक्ट बनाया जाता है तो कम्युनिज्म के प्रचार प्रसार को रोका जा सकता है। और वैसे एक जो और रीजन था वो ये था कि जर्मनी देखो 2 वर्ल्ड वार में शामिल हुआ। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी शामिल हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी शामिल हुआ। तो यूएसए समेत दूसरी कंट्रीज को यह लगता था अगर जर्मनी का यूरोप की दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन होता है तो संभावना कम हो जाएगी कि जर्मनी फिर से कोशिश करे वर्ल्ड वार लड़ने की। यानी जर्मनी का संबंध, जर्मनी का इंटीग्रेशन दूसरे देशों के साथ होना जरूरी है। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक नया ऑर्डर इमर्ज होकर आया था, और वो ऑर्डर है यूएसए प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का अलायंस। अब हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ यूएसए ही नाटो में फंड्स को कंट्रीब्यूट करता है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज बहुत कम पैसे देते हैं नाटो को। हमने जिम्मेदारी नहीं ली, आप भी पैसों को ज्यादा दीजिए नाटो को, ताकि नाटो अपने ऑपरेशंस ठीक से चला सके। इवन 2024 तक जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको अपनी जीडीपी का 2% जो है वो डिफेंस पे स्पेंड करना है। राइटर के द्वारा कुछ अच्छी बातें बोली जाती हैं। राइटर ये बोलते हैं देखो यूएसए डिफेंस पर ज्यादा खर्चा इसलिए करता है, एक तो यूएसए सुपर पावर है और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस ये सुपर पावर्स नहीं हैं और ना ही इनके कोई ऐसे एम्बिशंस हैं। यूएसए का पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर टच होता है और इवन अटलांटिक ओशन के साथ भी, तो उनकी जो नेवी है यूएसए की वो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए।
लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो दूर दराज के ओशंस में पेट्रोलिंग के लिए अपनी नेवी को भेजें। इस वजह से भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की जो डिफेंस पे स्पेंडिंग है वो कम ही रहती है। और देखो, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा खर्च करते हैं एड पे, मदद पे, अपनी जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.70%, चाहे आप यूके का एग्जांपल ले लीजिए या फिर जर्मनी का एग्जांपल ले लीजिए। ये देश दूसरे देशों की मदद करने में अपनी जीडीपी का 0.70% खर्च कर देते हैं, क्योंकि दूसरे देशों से माइग्रेशन बहुत होता है, जैसे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज या फिर मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल सीरिया, यहां से माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है यूरोप में। तो इसलिए इन देशों को यह लगता है कि अगर अफ्रीका के कुछ देशों की मदद की जाए या फिर सीरिया में कुछ मदद पहुंचाई जाए तो वहां से यूरोप की तरफ माइग्रेशन नहीं आएगा। जबकि यूएसए बहुत कम खर्च करता है एड पे, अभी सिर्फ यूएसए अपनी जीडीपी का 0.18% दूसरे देशों को मदद देने में खर्च करता है। और इवन ट्रंप तो यह भी धमकी देते हैं कि हम इसे 1/3 कर देंगे, यानी 0.06 कर देंगे। तो इसलिए बार बार वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को धमकी देना कि आप डिफेंस पे अपनी स्पेंडिंग को और ज्यादा इंक्रीज कीजिए, यह सही नहीं है। ट्रंप का मेन मकसद यह है कि अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो गठबंधन है, जो यूरोपियन यूनियन है, इसे कमजोर बनाया जाए। क्योंकि देखो, नाटो आज के समय में इरिलेवेंट हो गया है। नाटो को बनाया गया था कम्युनिज्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, लेकिन आज यूएसएसआर नहीं है। यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1990 में, तो आज वो डर नहीं है। इवन आज के समय में यूएसए में उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती जितनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती थी। यानी आज यूएसए को यूरोपियन कंट्रीज की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है जितनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इवन रशिया का जो थ्रेट है वो भी कम हो गया है। देखो, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो रशिया को ये बोला गया था यूएसए के द्वारा कि नाटो में ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, यूएसएसआर के मेंबर थे पहले ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज। अगर वही ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर के मेंबर थे वो अब नाटो में शामिल होंगे, इसका मतलब रशिया को दबाने की कोशिश की जा रही है नाटो के द्वारा यूएसए के द्वारा। शुरुआत में एश्योरेंस दिया गया था रशिया को कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ। वो कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे वो भी नाटो में शामिल होना स्टार्ट हो गए। और हद तो तब हो गई जब रशिया के आसपास के जो कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया, और वो भी फोर्सफुली। उस समय रशिया को इस बात से काफी गहरा आघात पहुंचा और रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया। तो आज के समय में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, इनको रशिया से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, और इसलिए रशिया और जर्मनी के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। यूएसए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल का, और यूएसए के द्वारा, ट्रंप के द्वारा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है थेरेसा मे का, जो यूके की प्रधानमंत्री है। तो एसेंस पूरे आर्टिकल का यही निकलता है कि ट्रंप की यहां पर गलती है। आज के समय में यूएसए को आवश्यकता नहीं है यूरोपियन यूनियन की, इसलिए यूएसए सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है। लेकिन ट्रंप जो है वो दूर की नहीं सोच रहे हैं। आज अगर यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाता है, जिस प्रकार से ट्रंप के द्वारा लालच दिया जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति को कि आप भी यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाइए, हम आपको अच्छी डील देंगे, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाता है तो सप्लाई चेन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होगी, और इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे, वर्ल्ड ट्रेड पे, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा नहीं है और वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।